के हाथ देती है ये रोती आंखें। एक बार का वफादार बेटा कहता है अरे हंसी देती है ये रोती आंखें। हर जख्म जिगर सिलता है। जम्मा का वफादार बेटा घर आता है, परदेश से घर आता है, जम्मा को देखता है तो क्या होता है, अरे हंसी देती है ये रोती आंखें। हर जख्म जिगर सिलता है। नजर पड़ जाती है, जब माँ पे नजर पड़ जाती है, जब माँ पे नजर पड़ जाती है, इससे दिल को सुकून मिल जाता है। خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی رستم علی صاحب تعالیٰ جامعی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ ابھی دیکھیں ممبر رسول پر خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی رستم صاحب قبلہ ممبئی لکھنؤ۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے حضرت جو ہے ملاقات کریں گے، نبی کی باتیں سنائیں گے، اس لیے پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھائیں، ماں باپ کے چاہنے والے ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ کے کہنے پہ نہیں چلتا، ماں باپ اگر بتائے ادھر تو جاتا ادھر، ماں باپ بتائے بیٹا یہ کام مت کرو تو وہ اسی کام کو کرتا ہے، اس لیے برباد ہوتا ہے، اس لیے ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے۔ لیکن جو ماں کا کہنے پہ چلتا ہے، جو ماں باپ کے کہنے پہ چلتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایسا کام نہ کرو، ماں باپ کو گالی مت دیا کرو، دعائیں لیا کرو۔ جب آپ گالی دیتے ہیں، جب کچھ کہتے ہیں تو اختر پرواز کے دل پہ کیا گزرتا ہے وہی ماں پہ بھی گزرتی ہے، اس لیے ہم اختر پرواز بتانا چاہتا ہے۔ ارے ماں سے لڑ نہ ماں سے بھیڑ نہ، ماں کے کہنے پہ نہ چلنا۔ ارے ماں سے لڑ نہ ماں سے بھیڑ نہ، ماں کے کہنے پہ نہ چلنا۔ جگر دل جاتا ہے، اے تیری سے حرکت سے تیری ماتا جگر دل جاتا ہے۔
है आखिरी शेर को आपके साथ मिला था फरमा साहब से मिला। ये हमारे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन से मुझे सबसे पहली बार मुझे भागपुर मुरादाबाद ले जाने वाले अगर कोई सक्सेस है तो हमारे मौलाना गुलाम सरवर साहब से मिला है। उनकी करम नवाजी है, एहसान है मुझ पर, अल्लाह हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, है ना। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। हजरत हमेशा बाहर रहते हैं, अशमर भाई हमेशा बाहर रहते हैं, मौलाना रईसुल कादरी साहब हमेशा सफर में रहते हैं, लेकिन सफर में जब कुछ परेशानी हो जाए मेरे साथ जो होता है, कितने लाशें हमने देख ली हैं रोडों पे, बचपन से सफर कर रहा हूँ, कितने एक्सीडेंट उन्होंने देख लिया है, लेकिन जब दिल घबरा जाता है, चेहरे पे उदासी रहती है, अल्लाह अकबर क्या हो गया, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे मौत जो है लोग सामना करना पड़ता है, जब उदास होकर घर पहुँचते हैं, आप भी दिल्ली बम्बे जाते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। जब बच्चे के लिए आप जाएंगे नहीं तो फिर कमा के खिलाएगा कौन। आप जाते हैं घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, है ना, बीवी बच्चे को छोड़कर अपने बच्चों की खातिर जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं कुछ हादसा हो जाए, अभी लॉकडाउन में बहुत लोग फंस गए थे, कुछ लोग रोते हुए घर आए, तड़पते हुए घर आए, है ना। जब घर आते हैं तो अगर आपके चेहरे पे उदासी हो तो माँ कुछ तो कह नहीं सकती है, क्योंकि बूढ़ी है, वो रोती रहती है, डरती है कि अगर मैं कुछ कह दूंगी तो मेरा बेटा मुझे डांट ना दे। लेकिन सुनिए सुनिए, आप कुछ कहे ना कहे, अख्तर परवाज क्या कहता है और माँ क्या कहती है सुने। अरे चेहरे पे उदासी जब देखे, अरे चेहरे पे उदासी जब देखे, अंदर अंदर वो फूटने लगे, अरे चेहरे पे उदासी जब देखे, अंदर अंदर वो फूटने लगे, अरे चेहरे पे उदासी जब देखे, अंदर अंदर वो फूटने चैन आता है तब जाकर पाको, जब चेहरा मेरा खिल जाता है। मखदा सुने, मुझे यकीन है कि हर किसी के घर में बच्चा, चाहे वो भांजा हो या अपना बेटा हो या भतीजा हो, बच्चे जरूर है हर घर में। आपने ये मंजर देखा होगा कि माँ अगर अपने बच्चे को बताए बगैर किसी काम के लिए चली जाए, खेत में ही चली जाए साग तोड़ने के लिए, या किसी के घर पे चले जाए किसी काम के लिए और बच्चे को ना बताए, तो बच्चा रोता हुआ पीछा पकड़ना शुरू कर देता है। माँ तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, है ना। क्यों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उस वक्त जब बच्चा माँ से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन जवान हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है, जो माँ बाप को ही पहले भूलते हैं। ऐसा मत करे सुनियो। मैंने एक रोते हुए बच्चे से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, तो वो बच्चा क्या कहता है, अरे वो प्यारी प्यारी माँ से तरह, अरे वो प्यारी प्यारी माँ सच कहता हूँ के वो चाहे जिधर, अरे वो प्यारी प्यारी माँ सच कहता हूँ के वो चाहे जिधर, अरे वो प्यारी है के माँ
पीछे पीछे दिल चाचा के आगे माँ चलती है, पीछे पीछे दिल चलता है, हंसी देती है ये रोती आँखें, हर जख्म जिगर सिल जाता है, जख्म पे नजर पड़ जाती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है।